नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार। बिहार में 7 दिन और बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन और नियमों में होगा बदलाव। जी हां, कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अब बिहार सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सूत्रों के अनुसार राज्य में एक बार फिर से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। सरकार आगामी 8 जून तक लॉकडाउन लगाने के बारे में फैसला कर सकती है। जानकारी के अनुसार इस बात पर अंतिम मोहर कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लगेगी। बताया जा रहा है कि इस बार लगने वाले लॉकडाउन के नियम पूरी तरह से बदले जाएंगे और कई पाबंदियों को हटाया जाएगा, साथ ही कुछ छूट भी आम लोगों को इस दौरान मिल सकती है। इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों से फीडबैक लिया गया है, साथ ही मंत्रियों और प्रधान सचिवों ने भी लॉकडाउन को बढ़ाने के संबंध में अपने विचार रखे हैं। सरकार का मानना है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने से कोरोना का आंकड़ा शून्य की तरफ किया जा सकता है। इधर लॉकडाउन तो बढ़ेगा, लेकिन सूत्रों के अनुसार जैसा जानकारी मिल रहा है कुछ छूट भी मिल सकती है। हालांकि स्कूल कॉलेज अभी भी बंद रह सकते हैं, जो भी दुकान खुल रहा है उसके समय को अवधि को बढ़ा दिया जाएगा और बाकी दुकान को भी खोलने का अनुमति मिल सकता है, लेकिन अल्टीमेट डे यानी इसका दिन निर्धारित होगा। इधर मॉल और सिनेमा हॉल बंद ही रह सकते हैं। बात करें शादी समारोह की तो अभी भी पिछले पाबंदियों की तरह निर्धारित लोग ही शामिल हो सकेंगे, यानी 20 आदमी के साथ शादी समारोह कर सकते हैं। अभी भी पंचायत चुनाव टला ही रहेगा, यानी पंचायत चुनाव का अनुमति नहीं मिलेगी। रेस्टोरेंट तरह अभी भी पिछले पाबंदियों की तरह खुलेंगे। टेक अवे होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगा, लेकिन रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। बता दें, बिहार में 5 मई से लॉकडाउन लगा हुआ है। इस दौरान कोविड केस की संख्या में काफी गिरावट आई है। वर्तमान में कोविड केस 2% से भी कम रह गया है। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में 50 दिन के बाद सबसे कम 1785 केस मिले। बता दें, पहले लॉकडाउन की अवधि 15 मई को खत्म हो रही थी। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने लॉकडाउन की समीक्षा की, कहा था कि लॉकडाउन के परिणाम अच्छे मिल रहे हैं, कोरोना वायरस संक्रमण केस में काफी कमी आई है,